गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में पढ़ेंगे SST। अपनी बुक ओपन कीजिए, लेसन नंबर 17, माई इंडिया फेस्टिवल्स एंड डांस। हमारी इंडिया, हमारी जो कंट्री है उसमें कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं और कौन से स्टेट में कौन सा डांस होता है, उसके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फेस्टिवल्स, सेकेंड डांस के बारे में। ओके, इंडिया हैज़ ए रिच एंड ग्लोरियस कल्चर। In different parts of the country, people follow different traditions. India में जो है rich और glorious culture है और different अलग अलग countries के जो peoples हैं अलग अलग tradition के हैं। This includes celebrating many colorful and exciting festivals. और वो लोग जो है बहुत ही colorful और exciting festivals celebrate करते हैं। Another important part of our culture is the traditional dance and music of India. Let us learn more about these. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कल्चर मनाते हैं ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूजिक जो इंडिया के हैं, उस बारे में। फेस्टिवल्स हमने फर्स्ट टॉपिक दिया है फेस्टिवल्स का। ओके, फेस्टिवल, अ फेस्टिवल इज अ टाइम व्हेन वी सेलिब्रेट समथिंग। फैमिलीज वियर न्यू क्लोथ्स, greet each others and eat lots of good food. All of us, young or old, children or parents love festival. जो इंडिया में जो फैमिलीज हैं फेस्टिवल्स जब सेलिब्रेट करती हैं तो नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि यंग हो चाहे ओल्ड हो, चिल्ड्रंस हो चाहे पेरेंट्स हो, हर कोई फेस्टिवल से लव करता है। इंडिया इज ए बिग कंट्री विद डिफरेंट सीजन्स, रिलीजन एंड रिलीजियंस। इंडिया जो है वो बिग कंट्री है जिसमें खूब सीजन और अलग अलग तरह के धर्म है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। और जो लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स हैं, जो ज़्यादातर फेस्टिवल्स हैं, वो ऑल ओवर कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। सम फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद रिलीजियस इवेंट्स, और कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो कि धर्म के हिसाब से मनाए जाते हैं, अदर विद सीजन, और कुछ सीजन के हिसाब से। देयर आर सम ओकेजंस व्हेन द होल कंट्री रिमेंबर्स अ स्पेशल इवेंट ऑफ द पास्ट। लेट अस मोर अबाउट सम ऑफ द वेल नोन फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री। और कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो ऑल ओवर होल कंट्री में स्पेशल इवेंट्स पे मनाए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि बसंत पंचमी, बसंत पंचमी सेलिब्रेट एट द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जब स्टार्ट होता है ना, जब बसंत स्टार्ट होता है तो बसंत पंचमी सेलिब्रेट की जाती है। पीपल वॉर्शिप गॉडेस सरस्वती, द गॉडेस ऑफ लर्निंग। और पीपल जो है बसंत पंचमी पे सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, जो कि पढ़ाई की, अपनी आप जो पढ़ते हो इसकी देवी मानी जाती है, विद्या की देवी मानी जाती है। पीपल ऑल्सो फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे, येलो क्लॉथ्स आर वॉर्न टू सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। और लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं और येलो कलर के क्लोथ पहनते हैं। इन मार्च व्हेन द वेदर इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, द फेस्टिवल ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड। जब मार्च का सीजन आता है ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ही गर्मी होती है, उन दिनों में होली का फेस्टिवल मनाया जाता है। होली मार्क्स द एंड ऑफ विंटर। होली जो है, जो विंटर जो खत्म होता है तब मनाया जाता है। और पीपल पुट गुलाल और कलर पाउडर ऑन ईच अदर, और पीपल जो एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और कलर लगाते हैं एक दूसरे को। अराउंड दिस टाइम क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड मिलेट्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। और ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं जैसे कि लाइक गेहूँ, ग्राम, मस्टर्ड, सरसों, ये सब जो है कटने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, फसल यानी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन। अभी देखो हमने बसंत पंचमी के बारे में पढ़ा, होली के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन सेलिब्रेट्स द लव बिटवीन अ सिस्टर एंड ब्रदर। रक्षाबंधन की सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, ये भाई बहन का प्यार का त्यौहार है। गर्ल्स एंड वुमेन्स टाई द राखी अराउंड द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर। गर्ल्स और लेडीज जो होती हैं इस दिन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं। नेक्स्ट दशहरा। दशहरा इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। दशहरे को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इट्स मार्क्स लॉर्ड रामास विक्ट्री ओवर रावण
रावण का वध करके उसकी बुराइयों को खत्म कर कर करके आए थे, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल 9 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है नवरात्रि के रूप में। और उस 9 डेज में जो है राम जी की लाइफ के ऊपर जो भी था वो रामलीला के रूप में बताया जाता है। और वेस्ट बंगाल में और अदर प्लेसेस में इन दिनों में दुर्गा पूजा के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली, दिवाली ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 इयर्स ऑफ एक्सिल्स। इस दिन राम जी 14 साल बाद अयोध्या लौटे थे, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। पीपल्स क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स एंड वियर न्यू क्लोथ्स। और इस दिन मतलब इस त्यौहार पे लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, उनको सजाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। इन द इवनिंग आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर टू गॉडेस लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ दे लाइट्स दियास लैंप्स एंड कैंडल्स गिफ्ट एंड स्वीट्स आर एक्सचेंज अमंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। शाम को लोग लक्ष्मी माता जो भगवान है उनकी पूजा करते हैं, जो कि वेल्थ की देवी हैं। दे लाइट्स दियास एंड लैंप्स, अपने घरों में दिए और कैंडल्स जलाते हैं और एक दूसरे में गिफ्ट और स्वीट्स भी बांटते हैं। गुरुपर्व, गुरुपर्व इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ द सिख गुरुज। गुरुपर्व जो है सिख गुरु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन मेनी टाउन्स एंड सिटी आर प्रोसीशियस आर टेकन आउट, पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड प्रे इन गुरुद्वारा। और लोग इस दिन जो है नए कपड़े पहनते हैं, गुरुद्वारे जाके प्रे करते हैं। लंगर आर हेल्ड वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल गेट फ्री मील्स। और इस दिन लंगर के रूप में मतलब जो खाना बांटा जाता है उसको लंगर के होते हैं, हजारों लोगों को फ्री मील दिया जाता है। ईद उल फितर इज द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट बाय मुस्लिम। ईद उल फितर जो है वो मेन फेस्टिवल है किसका, मुस्लिम्स का। इट्स मार्क द एंड ऑफ द मंथ लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग ऑफ रोजा। ये जो है एक मंथ तक लॉन्ग पीरियड तक जब रोजे रखे जाते हैं उसकी लास्ट में आता है दिस मंथ इज कॉल्ड रमजान। और इस मंथ को जिस मंथ में रोजे रखे जाते हैं उसको रमजान भी कहा जाता है। ऑन ईद एवरीवन वियर न्यू क्लोथ्स एंड ऑफर प्रेयर और नमाज एट मॉस्क्यू। इस दिन जो है वो मोमडन जो मनाते हैं मुस्लिम, वो लोग नए कपड़े पहनते हैं और नमाज पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं जाकर के मॉस्क्यू में। ईदी और गिफ्ट मनी इन गिवन टू चिल्ड्रंस, वो अपने चिल्ड्रंस को गिफ्ट मनी देते हैं जिसको ईदी कहा जाता है। दे ऑल्सो ईट सेवैयां अ टेस्टी स्वीडिश मेड ऑफ जैगरीज। और इस दिन वो सेवैयां खाते हैं, वो एक मीठी स्वीट्स है जो कि गुड़ के साथ, मिल्क के साथ और वर्मी सीरीज के साथ बनाई जाती है। ईद उल जोहा इज अनदर इम्पॉर्टेंट मुस्लिम फेस्टिवल। और ईद उल जोहा जो है वो भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है किसका, मुस्लिम्स का। क्रिसमस, क्रिसमस इज सेलिब्रेटिंग बाय क्रिश्चियंस ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, ये हर साल 25 दिसंबर को मनाई जाती है। इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है। स्पेशल प्रेयर आर हेल्ड इन द चर्च एट मिडनाइट एंड इन द मॉर्निंग। आधी रात से ही चर्च में स्पेशल प्रेयर स्टार्ट हो जाती है जो सुबह तक चलती है। क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड, और उस दिन क्रिसमस ट्रीज को डेकोरेटेड किया जाता है। चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर देम, और चिल्ड्रन इस बात पे बिलीव करते हैं कि सेंटा क्लॉज आएंगे और उन्हें गिफ्ट देंगे। केक्स एंड कार्ड्स आर गिवन टू फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। केक्स और कार्ड्स जो है वो फैमिली में एक दूसरे को फ्रेंड्स को देते हैं। गुड फ्राइडे इज द डे ऑफ मॉइनिंग एज इट इज बिलीव दैट जीसस डाइड ऑन दिस डे। गुड फ्राइडे जो वो मनाते हैं वो उस दिन जीसस क्राइस्ट जो उनके भगवान थे उनकी डेथ डे मनाया जाता है। ही इज बिलीव टू हैव कम बैक टू लाइफ आफ्टर 2 डेज, द डे इज सेलिब्रेट एज ईस्टर। और उसके बाद जो है ही इज बिलीव, यू बिलीव करते हैं कि 2 दिन बाद कम बैक टू लाइफ आफ्टर 2 डेज वो जो है 2 दिन बाद वापसी आएंगे, उसको ईस्टर कहा जाता है। द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज सेलिब्रेट एज बुद्ध पूर्णिमा। भगवान जो बुद्धा भगवान है उनका बर्थडे मनाया जाता है किस रूप में, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में। जैन सेलिब्रेट लॉर्ड महावीर बर्थडे इज महावीर जयंती, और जैन जो धर्म के लोग हैं वो महावीर
महावीर जयंती मनाते हैं क्योंकि उस दिन उनके भगवान महावीर का बर्थडे होता है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, और पोंगल जो है कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में, एंड इन अ हार्वेस्ट फेस्टिवल द सन गॉड इज वॉर्शिप एंड राइस डिशेज आर कुक्ड। इस दिन वो अपने भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं और क्या बनाते हैं, राइस बनाते हैं, मीठे राइस। होम्स आर डेकोरेट एंड एवरीवन वियर न्यू क्लोथ्स, और अपने घरों को सजाते हैं और क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। एंड संक्रांति इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड नॉर्थ इंडिया, और संक्रांति के रूप में आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और नॉर्थ इंडिया में संक्रांति मनाई जाती है। ओणम इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला, इट इज नॉन फॉर द फेमस स्नेक बोट रेस। ओणम जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है, और इस दिन स्नेक बोट रेस होती है। बैसाखी इज द कलरफुल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट इन पंजाब, बैसाखी जो है वो कलरफुल हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में। पीपल डांस टू द बीट्स ऑफ द ढोल एंड परफॉर्म द भांगड़ा, और पीपल जो है वो ढोल बजता है उसमें डांस करते हैं जिसको कि भांगड़ा कहते हैं। मैनी अदर फेस्टिवल लाइक तीज, शिवरात्रि, बिहू एंड नवरोज आर ऑल्सो सेलिब्रेट इन इंडिया। तो आपने ये देखा ना, इंडिया में कितनी तरह के त्यौहार हैं जो मिलजुल कर मनाए जाते हैं, जैसे दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, ओणम, बैसाखी, ये सब हमारे इंडिया में त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। डांस, ईच रिलीजन हैज इट्स ऑन स्पेशल टाइप ऑफ डांस इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो रहते हैं उनके स्पेशल अपना डांस है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डांस, क्लासिक एंड फोक। जो फोक और क्लासिक डांस है वो टू मेन डांस है जो सब जगह पे कंट्री में होते हैं। डांस फॉर्म सच एज कथक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ओडिसी एंड मणिपुरी फ्रॉम ईस्ट। और नॉर्थ इंडिया में कथक डांस फॉर्म किया जाता है, ओडिसी और मणिपुरी कहाँ पे, ईस्ट साइड में, एंड कथकली, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम फ्रॉम द साउथ आर क्लासिकल डांस। साउथ साइड में जो है ये कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांस जो है क्लासिक डांस के रूप में होता है। दीज डांसेस वर अर्लियर परफॉर्म्ड एट द स्पेशल प्लेस ऑन स्पेशल ओकेजन, ये जो है स्पेशल प्लेस पे किए जाते हैं डांस और स्पेशल ओकेजन पे परफॉर्म किए जाते हैं। सम ऑफ देम वर परफॉर्म्ड इन टेंपल्स, और इसमें से कुछ डांस ऐसे हैं जो कि मंदिरों के बीच में परफॉर्म किए जाते हैं। बट नाउ दे आर जनरली परफॉर्म ऑन स्टेज, और ज़्यादातर ये स्टेज के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। क्लासिकल डांसर्स ट्रेन फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स अंडर अ गुरु और टीचर एंड देन परफॉर्म बिफोर ऑडियंस। क्लासिकल डांस जो है वो ट्रेनर से, मतलब अपने गुरु और टीचर से सीख करके ऑडियंस के बीच में परफॉर्म किए जाते हैं। ईच डांस फॉर्म्स हैज इट्स ओन कलरफुल कस्टम्स, दीज डांस आर अकॉम्बेंट बाय म्यूजिक एंड सॉन्ग्स एंड आर बेस्ड ऑन फेमस स्टोरीज। फोक डांस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लासिकल डांस, फोक डांस जो है वो क्लासिकल डांस में बहुत इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत वेरी डिफरेंट है, अलग है। दीज आर परफॉर्म्ड बाय कॉमन पीपल टू सेलिब्रेट द हार्वेस्ट और द बिगनिंग ऑन ए न्यू सेशन, और ज़्यादातर लोग जो है ये जब मनाते हैं जब न्यू सेशन उनका हार्वेस्ट का, यानी जो क्रॉप्स की मतलब बुआई की जाती है, किसान खेती के लिए तैयारी करता है, उस टाइम मनाया जाता है। अ फोक डांस इज यूजुअली बाय द बीटिंग ऑफ ड्रम्स एंड लॉट ऑफ क्लैपिंग एंड सिंगिंग, और फोक डांस जो है ज़्यादातर ड्रम्स की बीट्स पे और क्लैप्स के साथ और गाना गा के किया जाता है। द मोस्ट फेमस फोक डांस आर भांगड़ा एंड गिद्दा फ्रॉम पंजाब, पंजाब में जो फोक डांस जो फेमस है वो क्या है, भांगड़ा एंड गिद्दा, और गरबा एंड डांडिया गुजरात का है, घूमर फ्रॉम राजस्थान, घूमर डांस हमारे राजस्थान में फेमस है फोक डांस के रूप में, और लावनी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड चाओ फ्रॉम ओडिशा। देयर आर सम डांसर्स हु कंबाइन ट्रेडिशनल डांस विद वेस्टर्न डांस फोक्स लाइक बैलेट एंड सालसा, दीज आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड रिप्रेजेंट अ मिक्स ऑफ फ्यूजन ऑफ डिफरेंट कल्चर। सालसा और बैलेट डांस ऐसे हैं जो कि सम डांसर्स मिल करके कंबाइन करके ट्रेडिशनल डांसों को करते हैं, और ये जो है बहुत ही सुंदर दिखता है जब सब मिलकर डिफरेंट कल्चर के लोग करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, फेस्टिवल्स के बारे में एंड डांस के
बारे में, है ना। तो अब आप ये अच्छे से लर्न करेंगे, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे से समझेंगे कि हमारे ही कंट्री में अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं एंड अलग अलग तरह के डांस सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब आप अपनी कॉपी में आप कोई भी दो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स के बारे में जो है 5 lines लिखेंगे या उसकी पिक्चर बनाएंगे। जैसे कि दिवाली के बारे में लिखेंगे तो लाइट ऑफ फेस्टिवल्स है और साथ में दिए और कैंडल्स बना लें। होली के बारे में अगर लिखें तो उसके बारे में 5 lines लिख करके और सुंदर से अलग कलर्स बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट।